के अंदर आज हर वर्ग धरने पर बैठे, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर धरने पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, महिलाएं धरने पर बैठे हुए हैं, व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं, रिटायर बुजुर्ग धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में हर वर्ग अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा और परेशान है। माननीय गृह मंत्री जी हरियाणा के अंदर आए, हरियाणा सरकार की तारीखों का पुल बांधते रहे। लगता है माननीय गृह मंत्री जी ने हरियाणा की सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हरियाणा की सड़कों पर बैठे हुए बेबस सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद गृह मंत्री जी भूल गए कि हरियाणा बहुत लंबे समय से परेशान है। लोगों को उम्मीद थी कि आप कुछ राहत देंगे, परंतु आपने एक शब्द नहीं बोला। लंबे समय से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, आपने एक शब्द उनके नहीं बोला। आपका जनता की परेशानियों की तरफ कोई रुचि दिखती नहीं है, लगता है सिर्फ सत्ता की रुचि है। जब चुनाव आता है तो गृह मंत्री जी हरियाणा के अंदर दिखाई देते हैं, अन्यथा हरियाणा की शुद्ध नहीं लेते। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री जी से, लगातार महीनों से बैठे हुए किसान बॉर्डर के ऊपर आप एक शब्द क्यों नहीं बोले? नशे के कारोबारी बीजेपी सरकार के संरक्षण में पल रहे, आप एक शब्द नहीं बोले। नकली शराब से हुई 50 से ऊपर मौतों पे आप एक शब्द नहीं बोले। 47 बार पेपर लीक हो चुका है, आप एक शब्द नहीं बोले। हरियाणा के हर घर के अंदर बेरोजगार युवक बैठा हुआ पढ़ा लिखा, आप एक शब्द नहीं बोले। हर रोज व्यापारियों पे खुलेआम गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, आप एक शब्द नहीं बोले। हर रोज बीजेपी का एक नया भ्रष्टाचार निकल कर सामने आता है, अमित शाह जी आप एक शब्द नहीं बोले। अमित शाह जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी एक बनिए का बेटा हूं और एक एक पैसे का हिसाब मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ले और लेकर ही रहूंगा ये हिसाब। हरियाणा की जनता जवाब चाहती है, लच्छेदार भाषण नहीं चाहती। इसलिए अगली बार जब आप हरियाणा के अंदर आए तो जवाब लेकर आए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।